नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। दिन भर की प्रमुख खबरों में आपका स्वागत है। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की तमाम टॉप खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भजनलाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए सीएम। सीएम नीतीश ने बेटा में फैक्ट्री तो केसरिया में पर्यटन सुविधाओं की दी सौगात। बिहार के कॉलेजों में पढ़ाने के लिए एजेंसी से लिए जाएंगे प्रोफेसर। बनारस में नीतीश कुमार की रैली पर बीजेपी ने कसा तंज। ईडी ऑफिस के सामने से गुजर गया हेमंत सोरेन का काफिला। अब खबरें विस्तार से। जयपुर के सांगानेर विधायक भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए सीएम होंगे। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी चौंका दिया है। भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक चुने गए हैं। वहीं बीजेपी ने जयपुर के विधार नगर की विधायक दिया कुमारी और दुदु विधायक प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया है। विधानसभा स्पीकर अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी को बनाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना के बीटा में करोड़ों की लागत से बने बिस्किट फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। इस दौरान सीएम ने कई अन्य औद्योगिक संस्थानों का निरीक्षण भी किया है। पटना में फैक्ट्री के उद्घाटन के बाद सीएम पूर्वी चंपारण के केसरिया के लिए रवाना हुए थे। केसरिया में मुख्यमंत्री ने पर्यटकीय सुविधाओं का शुभारंभ किया है। पर्यटकों की सुविधा लोगों के लिए और अच्छी हो, इसके लिए सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है। इसी क्रम में केसरिया में 18 करोड़ की योजना की शुरुआत हुई है। इसके बाद स्थानीय लोग काफी ज्यादा खुश हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर बिहार की सभी 40 सीटों पर कब्जा जमाने का दावा किया है। हालांकि अभी तक एनडीए में सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा खुलकर नहीं हुई है। ये तय नहीं हुआ है कि एनडीए में शामिल किस पार्टी के खाते में कितनी लोकसभा सीटें जाएंगी। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी ने लोकसभा के 8 सीटों पर दावा ठोक दिया है। उधर 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज कर चुकी बीजेपी की ऊर्जा बढ़ गई है। ऐसे में राजनीतिक गलियारे में यह सवाल उठने लगा है कि कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा कितना भाव देती है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने पर बिहार के राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद एवं पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी बिहार में किसी दूसरे यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, बीजेपी ने एमपी में कर दिया। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने मध्य प्रदेश के जरिए यूपी और बिहार में भी यादवों को साधने की कोशिश की है। शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयों में मानदेय के आधार पर प्रोफेसर और लेक्चरर रखने की योजना बनाई है। बिहार के कॉलेजों में पढ़ाने के लिए अब एजेंसी के जरिए प्रोफेसर और लेक्चरर दिए जाएंगे। इसको लेकर शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव ने सभी कुलपतियों को पत्र भेजा है। शिक्षा विभाग के द्वारा इसके लिए 4 एजेंसियां तय की गई हैं। खाली सीटों पर ही बहाली होगी। यह व्यवस्था 2 वर्षों के लिए होगी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि कॉलेजों में शिक्षकों की एक कमी दूर करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे की ओर से जनवरी 2024 तक स्पेशल गाड़ियों का संचालन किया जाएगा। रेलवे ने पहले से चलाई जा रही 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार किया है। पटना दानापुर से हैदराबाद, सिकंदराबाद और बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट से पाटलिपुत्रा के रास्ते 4 नई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन भी होगा। पटना से थावे के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन भी बढ़ा दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में 24 दिसंबर को एक रैली को संबोधित करेंगे। नीतीश कुमार के बनारस में होने वाली रैली को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इस पर बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने नीतीश कुमार की बनारस में होने वाली रैली को लेकर तंज कसा है। साथ ही जेडीयू को लेकर भी बड़ी भविष्यवाणी कर दी है।
नीरज बबलू ने कहा है कि जेडीयू का हाल क्या है ये पूरे देश के लोगों को पता है। जेडीयू डूबती नैया है और एक एक कर के बड़े नेता पार्टी को छोड़कर भाग रहे हैं। अब खबरें झारखंड की। सांसद संजय सेठ ने सोमवार को लोकसभा में झारखंड में आदिवासियों के मतांतरण, उनकी परंपरा और संस्कृति पर हो रहे हमले का मुद्दा उठाया। सांसद ने सदन में कहा कि आदिवासियों की परंपराओं, संस्कृति और रीति रिवाज पर मतांतरण के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आज सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए जाना था। सोमवार की दोपहर सीएम हेमंत सोरेन अपने आवास से निकले। सीएम के निकलते ही ईडी ऑफिस के बाहर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई, लेकिन सीएम का काफिला ईडी ऑफिस के सामने से गुजर गया। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार में पछुआ के प्रवाह से न्यूनतम तापमान तेजी से गिरा है। बीते 24 घंटे के भीतर रात के पारे में गिरावट की स्थिति यह रही कि बिहार के 6 शहरों का पारा 10 डिग्री से नीचे आ गया। राज्य भर में बांका सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री दर्ज किया गया। यहां तापमान में 3.7 डिग्री की गिरावट आई है। यह राज्य में इस सीजन का सबसे कम तापमान है। तो ये थी दिन भर की प्रमुख खबरें। बने रहिए हमारे साथ दर्श न्यूज पर।